फॉरगेट ले लद्दाख, नुब्रा वैली, ये वैली, वो वैली, इस रोड पे आ जाओ। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है और इस रात की खामोशी कान फाड़ होने वाली है। ये वीडियो है दिसंबर महीने के, बट इस राइड की स्टार्ट हुई थी अगस्त महीने में, यहाँ से। ठीक है, सब आज मारे हुए हैं, बारिश ने मारा, अभी धूप मार रही है, अभी हवा चल रहा है वो मार रहा है। बहुत कुछ सोच के निकले थे कि 15 अगस्त हम राइड करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। 3:30 बजे हम लोग बस सतारा पहुँच गए हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग निकलते भी हैं तो 8 घंटा मिनिमम, तो 11-12 बजे अगर पहुँचते हैं लोग, बस वापस चलो, बैक टू पवेलियन वाला हाल है। अ फील्ड राइड और लेसन राइड, नाउ टाइम हैज कम टू कंप्लीट दिस राइड। गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। तो आज अपनी एक और राइड स्टार्ट हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 4:15 और डेट है आज 23rd, यस 23 तारीख है, 4:15 हो रहे हैं और हम लोग को निकलना है। आवाज़ मेरी बैठी हुई है क्योंकि मुझे सर्दी होकर रखा हुआ है, निकलना था 4 बजे, ऑलरेडी आधे घंटे लेट हूँ। सुभाष भाई निकल, मतलब रेडी हो गए, निकलने ही वाले हैं। एंड चलो ठीक है यार, मैनेज करते हैं। 3 घंटे की नींद हुई है बस मेरी, रात के 12 बजे सोते सोते मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, आधी नींद में उठ रहे हैं, तबीयत डाउन है, लंबी राइड है, दिन लंबा है, नहा चुका हूँ, वहाँ के जस्ट हमें टी शर्ट पहनने से थकीला हो रहा है अंदर से। कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, सब रास्ते में देखते हैं। ये अपना एक वो राइड है, दिसंबर का अपना आखिरी राइड है ये, एंड ये एक ऐसा राइड है जो अपना फेल हुआ था, हम लोग निकले थे और पहुँच नहीं पाए थे, पर ये हम मेरे को इस साल में कंप्लीट करना है, इसलिए अभी निकल रहे हैं। सेम सुभाष भाई उस समय थे, आज भी हैं, वो निकलने वाले और जस्ट रेडी, हम लोग कॉल करूँगा, वो निकल जाएंगे। मैं बस अपना सब चार्जिंग वगैरह बैग में डालता हूँ, टॉप बॉक्स रेडी है तो सबको डालता हूँ और फटाक से निकलता हूँ। पूरी पायलट वाली फीलिंग आ रही है, टेक ऑफ रेडी। भगवान का नाम लेके अपनी राइड स्टार्ट हो गई है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज अपने को निकलना है गोकर्ण, गोकर्ण तक पहुंचना है, जो कि टोटल अभी बता रहा है 740 किलोमीटर, 15 hours 33 minutes, एस्टिमेट अरावल टाइम रात के 8:30 बजे, और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 5, तो आरे से जस्ट अभी निकल रहे हैं हम लोग, गरुड़ पे सवार हैं हम। और ये राइड में क्या क्या है इसको देखने के लिए पूरा सीरीज आप लोगों को देखना है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम लोग निकल गए हैं आरे से, अपना रूट होगा लोनावला, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, एंड देन वहां से राइट होके गोकर्ण के लिए चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक, 5:35 मॉर्निंग के हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं वासी ब्रिज पे। यहां से अपना सानपाड़ा थोड़ी दूर है जहां पे हमें मिलेंगे सुभाष भाई, एंड अपना ये GS 1250 आगे बहुत देर से, मतलब हम लोग साथ साथ में ही चल रहे हैं, कौन है आई डोंट नो, तो पवई से हम लोग साथ में ही हैं, एंड 35 मिनट्स में हम लोग आ गए हैं वासी ब्रिज। एंड ट्रैफिक देख के ऐसा लग रहा है ना पूरी मुंबई ना रोड पे है आज, एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड आ गया ना, अभी लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया आज से 23rd December से, एंड न्यू ईयर तक ही रहेगा ऐसा वीकेंड का माहौल, तो लोग अब बाहर 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 निकलने का चल रहे हैं, अपन भी वही कर रहे हैं, पर अपना थोड़ा सा शॉर्ट है उतना लॉन्ग नहीं है, तो लेट्स सी क्या क्या होता है इस राइड पे। जस्ट एक राइड अभी कंप्लीट हुआ है एंड दूसरा राइड स्टार्ट। यो हो, सानपाड़ा पहुंच गए, यस, एंड सानपाड़ा में ही इधर ही मिलने चाहिए अपने को सुभाष भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सुभाष भाई श्री श्री 108 आगे बढ़ गया यार अपना वेट करते करते। एक्चुअली मैं 1 घंटे लेट हूँ, तबीयत खराब को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, सो या पुणे नॉर्मल लोनावला एक्सप्रेस वे, या एक्सप्रेस वे नहीं, नॉट एक्सप्रेस वे, वी हैव टू गो थ्रू लोनावला। I know, but this road only. This road only. Okay. This guy is telling me to direct this road only. No, it's showing, na. This road only. Right? This road only. Hmm. You are going to Pune, na? Pune. Okay, come with me, na. Thanks. Let's go. तो इन लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इनको पुणे जाना है एंड थोड़ा सा रास्ते को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं,
तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है मोबाइल नेविगेशन का। एंड हाँ, तो सुभाष भाई आगे निकल गए हैं, तो सुभाष भाई से थोड़ा सा बातचीत हुआ अभी, एंड हम लोग भी भर गए हैं, आधे घंटे वो आ गए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं, तब तक वो अपनी चाय की चुस्की लेंगे जिसकी ज़रूरत हमें तो होती नहीं है। प्लान के अकॉर्डिंग सुभाष भाई हमें इधर ही मिलने वाले थे, क्या वो इस ट्रक के पीछे है? नहीं, इस ट्रक का तो हालत खराब है। सुभाष भाई, where are you? आगे निकल के आपको शर्म नहीं आई? आगे निकलते घंटे से बाइक चला रहा हूं। सुभाष भाई, where are you? Yellow V-Strom and here we go. ये है वो बेशरम इंसान, बेशरम जो आगे भाग गया आधे घंटे। शर्म आती है? अच्छा बात नहीं है। आने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, आगे नहीं जाने दूंगा। क्या मस्त लग रहा है यार, जबरदस्त। तबीयत की तो ऐसी कि तैसी होके रखी हुई है मेरी, और राइड का जो मजा है ना, सब पीछे छूट जाता है, सब सब सब, पूरा फॉग ही फॉग। सुबह की लालिमा दिख रही है सामने से, भगवान भी निकलने ही वाले हैं। सबसे पंक्चुअल पूरे वर्ल्ड में अगर कोई है तो वही है अपने सूरज चाचू। और हम लोग खापोली पहुंच गए, पालकी जा रही है भगवान की। सात बजे हैं अभी, एंड अराउंड 100 किलोमीटर 99.34 समथिंग चल रहा है। तो वल्ला हबीबी, हम लोग 100 किलोमीटर राइड कर चुके हैं और पहुंच गए हैं लोनावला सुबह के 7 बजे। ये रहा शहर, ये शहर है अमन का, और यहाँ की फिजा है निराली। और हमें बहुत दूर जाना है, हमें वो अचीव करना है जो एक बार हम फेल हो चुके हैं। मैं उसे फेल का नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे लेसन का नाम देता हूँ। वो मेरा एक लेसन राइड था कि मैंने उस राइड पे क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से वो फेल हुआ है। वो मेरा एक लेसन राइड था। बहुत ही खूबसूरत सुबह हो चुकी है। सूरज चाचू अभी तक आए नहीं है, आ जाएंगे वो भी, ठंड का मौसम है। तबीयत तो ख़राब के चक्कर में मैंने क्या पैकिंग किया है नहीं किया है, कुछ भूला हूँ मैं, नेवर नो, नहीं नॉट नेवर नो, आई डोंट नो। फिलहाल के लिए देखते हैं, रास्ते में जैसा जो ज़रूरत होगा उस हिसाब से देख लेंगे क्या छूटा है क्या ज़्यादा हो गया है, सब 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 हो जाएगा। दिल ये ज़िद्दी है, दिल ये ज़िद्दी है। लोनावला से जस्ट अभी क्रॉस किए हैं, ठंड इधर ज़्यादा है यार, एंड कान में ना वो एयर बहुत आ रहा है, एयर नॉइज़ बहुत आ रहा है हेलमेट के अंदर। आई थिंक माइक पे भी आ रहा होगा। एंड अभी यार पेट्रोल पंप ढूंढना है, बहुत जोर की आई है सुसु ब्रेक, एंड सूरज चाचू जस्ट निकलने वाले हैं सामने से। तो सीन ऐसा ही है, अभी सुसु जाना है यार, सुसु सुसु कुसु 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 आई सुसु 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 सुसु। तो मॉर्निंग हो गई है, 7 बजे हैं। ब्रेकफास्ट सोच रहा हूँ किया जाए पुणे क्रॉस करने के बाद, क्योंकि पुणे का ट्रैफिक ना डॉच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ ट्रैफिक मिल गई ना तो भाई साहब लग जाएंगे। एक प्यारी सी सुबह ने गुड मॉर्निंग कहा है हमें, और हम भी कहेंगे उन्हें गुड मॉर्निंग। सूरज चाचू गोप्रो में कैसे आ रहे होंगे पता नहीं, पर खुली आंखों से तो दिख रहे हैं ना वो। आय हाय हाय आय हाय 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 हाय, मैंने उन्हें इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन दो आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। वाह वाह, फाइनली ब्रेक मिला,
और थोड़ा रिलैक्स हो गए, तो अपना वॉशरूम ब्रेक हो गया, उस पेट्रोल पम्प पे रुके हुए हैं। एंड तलेगांव से मतलब पुणे से 40 किलोमीटर पहले अभी पीछे हैं, तो नेक्स्ट अब सीधा पुणे की तरफ। भला हो यार पेट्रोल पंप वालों का, एटलीस्ट हम लोगों को जान है जान मिल जाती है, अदरवाइज अगर पेट्रोल पंप ना रहे ना तो क्या ही वॉक लगेगी अपनी। फर्दर यहाँ पे ना इस पेट्रोल पंप मुझे एक अच्छा चीज़ ये लगा ना, ये देखिए यहाँ पे डॉग फीडिंग के लिए ना रखा हुआ, सो नाइस ना, अच्छा लगता है कुत्तों के लिए, क्या है। चलो थैंक यू सो मच पेट्रोल पंप वालों, जान बचा लिया। अब आगे नॉन स्टॉप चलेगी गाड़ी, अभी अब पुणे जल्दी क्रॉस करना है। पुणे एक बार क्रॉस कर लिया ना फिर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हो गया, एक अचीवमेंट हुआ है, टारगेट मतलब जो टारगेट है आज का उसमें एक स्टेप आगे बढ़ गए। मिलते हैं आगे। दो बाइक वापस से राइड पर निकली हुई है। हाँ भाई ट्रक लोग, तुम ही लोग पहले ये सब कर लो, जगह मत दो, बस हम फर्स्ट खेलते रहो। कसम से कोई एक तो स्लो हो जाए मजा लगा। कोई पुणे इधर से ऐसे निकलेगा, अपन राइट होके निकल रहे हैं सतारा हाईवे की तरफ। तो वी आर एट सतारा मुंबई हाईवे एंड पुणे जस्ट अभी जस्ट क्रॉस किया है, मुश्किल से 50 मीटर पीछे होगा। अगर आप मुंबई से निकल रहे हो तो 3-4 रास्ते हैं, मतलब मैं 4 मानता हूँ। एक हो जो अपना सूरत होके निकलता है, अगर आप सूरत होके अगर आपको स्ट्रेट निकलना है नॉर्थ की तरफ, अगर आपको सेंट्रल इंडिया में जाना है तो रास्ता आएगा आपका इंदौर का, गुजरात होकर भी जा सकता है बट प्रेफरेबली इंदौर। अगर आपको साउथ की तरफ जाना हो तो एक अपना शोलापुर होके जाता है जो कि पुणे से ही निकलेगा, और एक कोल्हापुर होके जाता है जो भी पुणे से होकर निकलेगा। अपन पुणे से होकर निकले हैं एंड अभी अपन चल पड़े हैं इधर कोल्हापुर के लिए। तो सतारा के बाद कोल्हापुर एंड बेबी। और ये सारी गाड़ियां जा रही हैं अभी शोरूम में। ओ भाई क्या ड्राइविंग है, कट मार के जो निकले ना भाई साहब। और इस बार 8:18 हुए हैं और 165 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। आई थिंक थोड़े समय पे ही हैं हम लोग, मॉर्निंग में 1 घंटे लेट हुए हैं, ठीक है थोड़ा सा हमें माफ़ी दे दे उस 1 घंटे के लिए। धक्का मार रहे, पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या? चालू करके ला रहे हैं भैया, गाड़ी तो चालू नहीं है, लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है। शीशी कर लेंगे तो भाई मेढक हो गए हो। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम, हमारे पास तो इतना नहीं है, हैं और रखते कहाँ? सुभाष भाई रुके थे पीयूसी करवाने के लिए बट यहाँ पे BS6 का पीयूसी नहीं हो रहा है तो नहीं हो पाया, आगे कहीं करवा लेंगे इसे पेट्रोल पंप पे या किधर। और इनके बाइक का 1 साल हो गया है, टाइफून का 1 साल हो गया है, तो इसीलिए इसका पोल्यूशन एक्सपायर कर चुका है। अपने ज़रूरत अभी बाकी है, कुछ समय और है, 1 महीना, 1 दिन तो होगा अपने साथ जब अपन रास्ते में निकलेंगे और अपने सब्सक्राइबर अपना वेट कर रहे होंगे, अपने दोस्त अपना वेट कर रहे होंगे। आज अपन जा रहे हैं वो फैमिली बढ़ा रहे हैं, एक टाइम वो फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी कि अपना इंतज़ार करेगी और सबसे मिलेंगे। ये सारे व्यूज़ हम लोग क्रॉस किए थे ना 11 बजे के बाद, इससे पहले वाले राइड में, और अभी क्रॉस कर रहे हैं 8:42 में, ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस। रुक जाओ भाई, तो अपनी बुकिंग हो गई है वैसे, हम लोग गोकर्णा जा रहे हैं, गोकर्णा में हमने हॉस्टल बुक कर लिया है बिकॉज वो ज़रूरी था यार, क्योंकि अभी सीज़न में ना कुछ नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है इतना प्राइस हाई है। ओ भाई साहब
ट्रकों के बीच में से ना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उस अंधेरे से चलते जाओ, रुको मत, रोशनी आपका इंतज़ार कर रही होती है मेरे दोस्त, और ये आ गई रोशनी। तो कभी भी अंधेरा हो रुको मत, चलते रहो, रुक गए तो वो अंधेरा ख़त्म नहीं होगा, चलते रहोगे तो भाई रोशनी है इस अंधेरे के उस तरफ। सुभाष भाई को डांस करने का भूत चढ़ा है, अभी बाइक चलाते चलाते डांस कर रहे हैं ये। छिड़वल पहुँचे हैं अभी, इनको अभी आगे ही रखूँगा नहीं तो ये अंडा अकेले खाने वाला है। ये बॉयल्ड ये बॉयल्ड एग ये अकेले अकेले खाने वाले हैं लग रहा है मुझे, इनको अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे भी खाना है। टाइम हो गया है 9:36, जय तुलाजी तुलाजा भवानी। तो यहाँ पे रुक के कुछ खाया जाए ब्रेकफास्ट। हाँ जय भवानी, मटन भाकरी पर यहाँ नहीं, चाय वड़ा पाव मिसल पाव भजी पोहे समोसा। यस, और ये है सुभाष भाई का अंडा, मतलब सुभाष भाई का नहीं है, सुभाष भाई लेके आए ये अंडा एंड अपना ये मिसल पाव। तो अभी 200 कुछ किलोमीटर चलाने के बाद रुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया जाए क्योंकि सुभाष भाई को अकेले अंडा तो खाने नहीं देते, ये पीछे रुक रुक के इसीलिए कि अंडा अकेले खा सके, वरना इनको रोक के भी अंडा फिनिश करेंगे, मिसल पाव खाएंगे एंड देन फिर आई थिंक और 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ही रुका जाए। क्या बोलते हो? और क्या, लंच के लिए रुकेंगे सीधे, पेट्रोल रूम जा रहे ना उधर ही लंच कर लेंगे। हाँ देखते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि अपना उतना माइलेज नहीं मिल रहा है, अभी गाड़ी स्पीड में चल रही है ना, तो 35-34 से ऊपर 35-36 रुपए का माइलेज मिलेगा नहीं। तो जनरली इतना देती है नहीं, मेरी उतना नहीं मिलेगी, और 200 कुछ किलोमीटर चला ही चुके हैं तो 100-150 और चलना चाहिए। एनीवे जो भी होगा रास्ते बताएंगे, फिलहाल भूख लगी है कुछ खाया जाए। सुभाष भाई देखो अंडा छिलना चालू कर दिया, ये अंडा नहीं खाने देंगे मुझे और मैं खा के रहूँगा आज। व्हाट्स योर नेम? ओमकार। एंड यूज? ओमकार एंड उन्नति, नाइस टू मीट यू ब्रदर। ठीक है, आप लोग कैमरे में हो अभी? yes. रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है चलो बाय बाय। सो ब्रेकफास्ट हो गया अपना डन, सामने है सुभाष भाई और अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त मिले अभी, फोटो वगैरह खिंचवा लिया, तो हम भी सोचे हम भी इनको ले लेते हैं कैमरे में, क्यों नहीं। गई क्लच प्लेट हुंडई ऑरा की, ट्रैफिक में सॉरी हिल पे ना एक नंबर पे क्लच 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 चलते चलते ना कई सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों तो ऐसे हैं कि साइड में लगा के खड़े हो गए हैं। तो भाई ठीक है, जब खुलेगा तो जाएंगे, अदरवाइज अपना क्लच नहीं फूकना है। भाई सब गाड़ी का बोनट खुल गया, इधर देखो लेफ्ट में, गाड़ियों का बोनट खुल गया यार। ओ भाई एक अलग ही सीन है ये। फाइनली ये ट्रैफिक खुल गया है, एक्चुअली जो ट्रैफिक लगी है ना, हाँ हाँ ये कर लो आप, ये ज़रूरी है, सुभाष भाई को वर्कआउट करना ज़रूरी है अभी। हाँ तो ट्रैफिक इसलिए लगी हुई थी कि वहाँ पे स्लो मूविंग ट्रक्स थे, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ते समय ना, ऐसे पहाड़ पे चढ़ते समय
वो ट्रक चढ़ नहीं पा रहे थे और कोई कोई ख़राब हो गए थे, जिसके वजह से वो रोड ब्लॉक हो गया, तो सिंगल सिंगल निकल रही है गाड़ियाँ, जिसके वजह से वहाँ ट्रैफिक लग गया था। तो हम लोग भी निकल गए वहाँ से और अब चला जाए आगे यार। एक अच्छा खासा अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड हो गया, वेस्ट हो गया। यहाँ से सतारा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचते हैं पहले सतारा, फिर देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। वो होटल पीछे नहीं छूटा था, वो होटल यहीं है और हम लोगों ने ऐसे ही अपना बाइक पार्क किया था। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो ये वही जगह है बाबा पंजाबी, जहाँ से इन्फॉर्मेशन ये हम लोग पास ऑन किए थे कि हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं और नहीं गए। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स कि हम लोग गोकर्ण पहुँच गए हैं और इस बार हम लोग कर दिखाएं। सितंबर हम लोग नहीं अगस्त में थे, 12 अगस्त था वो दिन। यहाँ पर आकर के हम लोग बैठे, 1.5-2 घंटे बैठे थे हम लोग यहाँ पर बैठे और बस यही प्लान कर रहे क्या करना है, आगे जाना है पीछे जाना है। जस्ट रीच कराड एंड ओ भाई साहब क्या ट्रैफिक है, लग रहा है जी इधर ही रह जाएंगे। तो रोड बन रहा है वो, उससे तो गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही हैं, उससे कंजेशन हो रहा है वो। हाँ मिला जुला के बात यही है, लगे पड़े बहुत बड़े वाले। After 376 किलोमीटर टाइम फॉर अ रिफ्यूल पेट्रोल ब्रेक। बस 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 1049 अराउंड 10 लीटर। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिफिल करवाया और हो गया काम, अपना मोबाइल माउंट कहीं निकल के गिर गया। चलो एक चीज़ तो ये अच्छा हुआ कि इस पर मोबाइल लगा हुआ नहीं था तो अपना मोबाइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इस माउंट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। सो फिलहाल यही सीन है, एक नुकसान हो चुका है फर्स्ट डे पे ही, ये बच गया उसका। ओके मिल गया, चलो करते हैं, मिल गया। वाओ ये इतने अच्छी बाइक है ना, इसने इसको संभाल के रखा हुआ है। वही बोलो छनछन आवाज कहाँ कर रहा था, ये इधर है, बच गया है। चल ये देखो, वाह ये निकालते हैं इसको और देखते हैं प्रॉब्लम क्या आई थी। चलो बच गया भाई, नुकसान नहीं हुआ ये ट्रिप में, आज भगवान साथ है, इस ट्रिप में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हर महादेव। एंड यहाँ से अभी भी 8.5 घंटा बता रहा है पहुँचने के लिए, दैट मीन्स सोच सकते हो यार 350 किलोमीटर अभी और है, 350 किलोमीटर के लिए 8.5 घंटा रास्ते की लग गई है। ठीक हाँ, तो सीन ऐसा है कि अपना मोबाइल माउंट हमने वापस से लगा लिया है, पर इसमें आज के दिन हम लोग मोबाइल नहीं लगाने वाले हैं, अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये वापस से कहीं खुल के गिरने वाला तो नहीं है। ये ऐसे नीचे वहाँ गिरा हुआ था और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ऐसी जगह पे ये नहीं गिरा था जिससे कि अपने बाइक का नुकसान हो या फिर चलती गाड़ी में गाड़ी अचानक से बंद हो जाए। तो भगवान की कृपा है कि कुछ गलत नहीं हुआ, वहीं पे था फंसा हुआ था, इसको निकाल लिए सुभाष भाई निकाले हैं, इसको बहुत इंजीनियर वाली बुद्धि लगा के वापस से लगा दिए हैं यहाँ पे। एंड आज इसको ऑब्जर्व करते हैं कि वापस से गिरता है या ढीला होता है, जो भी होता है फिट देखेंगे कल या परसों पे से मोबाइल लगाना है कि नहीं लगाना है, अभी फ़िलहाल यही सीन है। ओ भाई ये क्या हो गया, इतना धुआं धुआं, अरे भाई साहब खेत में आग लगाई है फसल को उस करने के लिए। कुछ नहीं दिख रहा है यार, अब ये दिल्ली वाला हाल हो जाएगा अगर ऐसा ही रहा किया इन्होंने तो। फाइनली सुभाष भाई का अपना POC कंप्लीट हो रहा है एंड
हम लोग अभी जा रहे हैं ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ गोल्डन कॉरिडोर फोर लेनिंग ऑफ सतारा कोल्हापुर कागल सेक्शन NH4 पे, मतलब जो भी है समझ जाओ, सामने देख लो और समझ जाओ। सरदीम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो रोड बना है उधर जा रहे हैं। लगभग क्या 3:30 के है, एनर्जी धीरे धीरे थोड़ी सी डाउन हो रही है, बाइक चल चुकी है 450 किलोमीटर, अभी भी अराउंड 250 किलोमीटर जाना है हम लोगों। मैंने मोबाइल मतलब मैंने मैप नहीं लगाया है फॉर ऑब्वियस रीजन जो मैंने शेयर किया आप लोगों से, तो देखते हैं अभी और क्या क्या छुपा रखा है। अरे छुपा क्या रखा है, आगे पूरा जाम है। ओ भाई लग रहा पूरा पहाड़ ही हटा दिया जाएगा यहाँ से। कर्नाटका में आ गए क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन बोर्ड में ना कन्नड़ लैंग्वेज लिखा हुआ है, जबकि कहीं भी ऐसा लिखा तो नहीं है कि हाँ वेलकम टू कर्नाटका। फैमिली वाले में अगर फीमेल नहीं है तो नॉट अलाउड। बोला ना फीमेल नहीं है तो नॉट अलाउड, फीमेल नहीं है तो फैमिली नहीं है। What? Bro, what are you talking about, man? Around 400 किलोमीटर चल चुके हैं, सॉरी 500 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी जस्ट रुके हैं हम लोग। एक्चुअली में कर्नाटका इंटर कर गए हैं, ये कर्नाटका ही है, कब इंटर किए पता नहीं लेकिन कर्नाटका इंटर कर गए हैं। सो नाउ यहाँ से और 250 के अराउंड है बचा हुआ, मैंने मैप नहीं लगाया तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितने किलोमीटर, पर 250 किलोमीटर और है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। रात तो अच्छी खासी होने वाली है, बट अच्छी बात यह है कि अपना वहाँ बुकिंग किया हुआ है, बस जाना है और अपने आप को समर्पित कर देना है पेट को। तो शिव प्रसाद ढाबा में हो गया अपना लंच कंप्लीट, नाउ बैक टू रोड अगेन। लंबी जर्नी है, दाल तड़का रोटी के साथ अपना लंच हुआ है समापन प्योर वेज रेस्टोरेंट में। समय हो गया 5:30, अगर हम लोग यहाँ से बैंगलोर निकले ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वो बहुत सुपर हाईवे है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से वापस बैंगलोर से मुंबई जब मैं गया था अराउंड 15 आवर्स में पहुँच गया था, और यहाँ तक आने में ना मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, मैं बहुत स्पीड में आया था। और जिस हिसाब से रोड अभी बंद रहे ना तो ये बोलना बहुत अलग नहीं होगा, बहुत मतलब बहुत कन्विंसिंगली मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में 10 घंटे में ना बैंगलोर से मुंबई कवर किया जा सकता है अगर ये पूरा हाईवे बन के ओपन हो गया तो। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सही तरीके से इस पर काम चल रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बड़ा फ्लैग और कितने प्यार अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से लहरा रहा है, बहुत सही है मेरे भाई, जय हिंद। ये सामने महल जैसा क्या है भाई, बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। रामूजी फिल्म सिटी तो नहीं है वो, हैदराबाद में है, ये क्या है। ओ भाई ये कन्नड़ में लिखा होगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा। ओ भाई साहब क्या पैलेस है यार, ये जा रहा है NH48 ऊपर से और हम लोगों ने नीचे से ले लिया है। अब यहाँ से हम लोग को यू टर्न लेके जाना है पीछे की तरफ और वहाँ से फिर लेफ्ट लेके गोकर्णा की तरफ निकल जाएंगे। तो सीन ऐसा है, सुभाष भाई आगे से गाइड कर रहे हैं, ये आ गया लेफ्ट टर्न, ये ऊपर से निकल गया NH48, तो NH48 को अब यहाँ से हम लोग बोल देंगे टाटा बाय बाय। NH48 बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है, बस उस पर जो काम चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर वो जल्दी जल्दी हो जाए फिर और मज़ा आएगा भाई। ओ भाई इस रास्ते से अगर होके जाना है तब तो लग गए। कितना किलोमीटर, 155, और कितना घंटा, 4 घंटा लगने वाले हैं।
प्रभु पथ प्रदर्शित करें, प्रभु पथ प्रदर्शित करें। असली थ्रिल तो अब स्टार्ट हुआ है। हेलो भाई, दोनों तरफ जंगल है, वापस हम दोनों बाइक लेके और अंधेरा होने वाला है और एंड भी इसी तरह के जंगल में ही जाके होगा। जंगल जंगल हो गया, जंगल जंगल बाघ जली है पता चला है, विस्ट्रोम में चढ़ के दो पागल निकला है। मैंने छोटी छोड़ के अलनवर पहुँचे हैं अभी एंड इसी रूट से होके अपने को जाना है। भाई साहब, एक्चुअली अगर फॉग लाइट बंद कर दिया जाए, नहीं यार ये रिस्क नहीं देना है अभी फिलहाल। चलो चलते हैं, 10:30 तक टारगेट तो है पहुंचने का, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। इनको देखो, देख लो, देखो देखो, अरे भाई साहब ये खुशी इनकी। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है और इस रात की खामोशी कान फाड़ होने वाली है। भाई साहब कुछ नहीं है रास्ते में, कुछ नहीं दिख रहा है। एंड अभी हम लोगों ने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया है गोकर्ण के लिए, जो कि है 1 घंटे का रूट, अराउंड 35-40 किलोमीटर बचा है। 700 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं आज के दिन में। बॉडी के इस हालत के बाद भी मैं इतना राइड कर पा रहा हूँ, एक लाइक बटन तो बनता है मेरे भाई, दबा दो। क्या ही है, रात के 9:20 हो रहे हैं और इस जंगल से होके जा रहे हैं। और पीछे एक और बाइकर मिल गया है, एक और बाइकर मिल गए हैं, तो हम लोग 3 लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं गो करने के लिए। रास्ते क्या सुंदर हो गए हैं अभी, एक नंबर। ये बड़े बड़े पेड़ दिखने लगे, समुद्र का हवा जो होता है ना वो फील होना स्टार्ट हो गया है। बड़े बड़े नारियल के पेड़, समुद्र का हवा, एंड वी आर अबाउट टू रीच। कुछ किलोमीटर है और आई एम गेनिंग माई एनर्जी बैक। यस, एनर्जी वापस आ रही है। और मैं जरूरत के टाइम पे ही हैंग हो जाता हूँ, तो मेरा गोप्रो हो गया हैंग एंड हम लोग पहुंच गए हॉस्टल लाइफ। भाई भाई हेलो, एक्सक्यूज मी, दिस वन ना, ओके ओके, थैंक यू। हॉस्टल लिखा भाई, हॉस्टल नहीं लिखा ना, तो मैं लेके आया ना मैप से, उसने बोल दिया पहुंच गया तू। नेक्स्ट टू I have to go outside and then? And then next one is hostel. Okay. This is not a hostel. No, this is hostel. Nahi. So after काफी जद्दोजहद finally मिल गया hostel. Now we have to park our bike, 2-wheeler only beside. तेरे लिए, यस यही तो है कॉटेज सिस्टम। एक काम करते हैं ना, अपन आगे पीछे लगा लेते हैं। तो माय पब्लिक, हम लोग कल पहुंच चुके हैं यहाँ पे रात में, देखा आपने, खाना ना खाते, डिनर करते, सोते, अपने को बहुत टाइम लग गया। एंड किचन बंद होने रहा था इसलिए जल्दी खाना खाना पड़ा एंड टाइम इतना हो गया कि वीडियो कल एंड नहीं कर पाए रात में, क्योंकि कुछ दिखाना था आपको वीडियो एंड होने से पहले। पीछे हॉस्टल में बेड सिस्टम में बेड लिया है एंड अभी अब हो गया अपना, सुबह उठ के निकलना है। तो फिलहाल आपने वीडियो देख लिया है अभी तक, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं फिर। बहुत अच्छी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, जहाँ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो तो बताते हैं।
ओके, बाय बाय।